नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे एमओयू को धरातल पर उतारेंगे मंत्री अधिकारी। उत्तर प्रदेश में लगभग 33.5 लाख करोड़ के एमओयू पर साइन हो गए हैं। एमओयू यानी निवेश समझौते। कंपनियों ने सरकार के साथ समझौता किया है कि वो निवेश करेंगी। आमतौर पर जो भी कंपनियां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजनों में आती हैं वो एमओयू जरूर करती हैं। इसलिए प्रायः सभी राज्यों में बड़ी भारी राशि के एमओयू तो हो जाते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस हकीकत को समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को तैनात कर दिया है। उन्हें टारगेट भी दे दिए गए हैं और उनकी जवाबदेही भी तय कर दी गई है। जवाबदेही इस बात की कि जो निवेश कागजों पर हुआ है वो जमीन पर भी उतरे। जब तक निवेश जमीन पर नहीं होगा उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस बार योगी का संकल्प दिख तो रहा है, क्या उनका ये संकल्प पूरा हो सकेगा? और जिन क्षेत्रों में निवेश की संभावना है उसमें यूपी की तैयारी क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों का इस पर क्या कहना है, सुनिए जरा। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए हुए एमओयू को जमीन पर उतारने के लिए मंत्रियों की जवाबदेही, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना एक सकारात्मक पहल है। ये सरकार की कार्य संस्कृति है कि जो कहती है वो करती है। विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति करता रहा है, उसको केवल कमियां निकालने का काम है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ठोस काम कर रही है, जमीन पर काम कर रही है और जनता का समर्थन उसे मिल रहा है। विपक्ष की नीति केवल कमियां निकालने की है और वो विकास विरोधी है। वो अच्छे काम में भी विरोध करना और बने बनाए अच्छी बातों को इनकार करना, ये विपक्ष का काम है। वो खुद नहीं कर पाए, जनता ने उन्हें नकारा। अब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो काम उत्तर प्रदेश में को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और जो इन्वेस्टर समिट में जो एमओयू हुए हैं उससे प्रदेश की तकदीर बनेगी, प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश बनकर सामने हमारे आए। उत्तर प्रदेश के अंदर हुए इन्वेस्टर समिट की बैठक में कई लाख करोड़ के प्रस्ताव के एमओयू किए गए। लेकिन सवाल जो पहले था वही सवाल आज भी है। जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इन्वेस्टर समिति बहुत बड़ा किए हैं, उनको एक बात सोचना चाहिए कि योगी पार्ट वन की सरकार में भी 6 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए थे लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखे। सवाल इसीलिए उठ रहा है कि जब उस योगी पार्ट वन की सरकार में प्रस्ताव नहीं उठे तो योगी पार्ट टू की सरकार में क्या हो। यही बात हम लगातार कह रहे हैं कि धरातल पर कुछ नहीं है, केवल सब हवा हवाई है। और यही बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी लगातार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बहाने जनता की गाड़ी कमाई का बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट के बहाने बहा दे रही है। 2018 में भी 21-22 फरवरी को लखनऊ में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 4,28,000 करोड़ के 1,045 कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुए थे। दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मात्र 371 एमओयू वाली कंपनियां भूमि पूजन के लिए आईं, जिसमें से मात्र 106 कंपनियां ही वाणिज्यिक संचालन हो पाया, जो कि पूरे निवेश का, कुल घोषित निवेश का 9% था। अभी देखते हैं कि सरकारी आंकड़ों और तथ्यों के मुताबिक जितना भी पैसा इन्वेस्टर समिट में खर्चा किया गया है उसका इन्वेस्टमेंट जीरो ही रहा है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि बना रही है और इस प्रकार के भव्य आयोजन कर रही है। जनता को पता है, एक बार पुनः जनता को भ्रम की स्थिति में डाल रही है। आरटीआई और सोशल मीडिया के युग में जनता को सब कुछ सामने आ जाएगा। तो विपक्ष का ये कहना है कि योगी सरकार वन में जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ऐसा उनका मानना है। वहीं उनका ये भी कहना है कि 6 लाख 4.5 लाख के करीब एमओयू साइन हुए और उसके बावजूद भी उसका धरातल पर रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन अब एमओयू साइन हुए हैं और विधायकों को, अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है कि वो जमीन पर एमओयू को उतारें। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, बाकी सवाल उनसे होंगे।
डॉक्टर सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। सुधा मिश्रा जी स्वागत करती हूं आपका। राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, राघवेंद्र जी का स्वागत करती हूं। साथ ही रविंद्र सिंह सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करूंगी। 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का दावा सर, और उसके साथ ही विपक्ष के सवाल कि पहले ना हो पाया अब कैसे होगा, बताइए। देखिए विपक्ष जो आज की तारीख में जैसा वातावरण बना हुआ है, विपक्ष स्पष्ट रूप से राजनीतिक खलनायक के रूप में नजर आता है। पारुल जी ऐसा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनकी उत्तर प्रदेश में सरकारें नहीं रही हैं जी। इन लोगों ने ना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई काम किया है, उद्योग के क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रयास जरूर किया है। वो भी प्रयास करने का मतलब ऐसा है कि उसमें भी कमीशन खोरी और खाने पीने का, मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार रहा करती थी, अमर सिंह जी उसके मुखिया हुआ करते थे, इनके कार्य आयोजन होते थे, उत्तर प्रदेश से उद्योग शिफ्ट होते रहते थे अन्य राज्यों में। पर ये मेरा कहना है, हम लोग सुशासन और विकास और इस क्षेत्र में हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते हैं, हम लोग के नीति और नियत पर कोई प्रश्न आज तक नहीं खड़ा कर पाया है, चाहे मोदी पार्ट वन हो चाहे मोदी पार्ट टू हो या योगी पार्ट वन हो योगी पार्ट टू हो, हम लोगों ने ईमानदारी से प्रयास किया है। जब हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ने 2017 में सरकार हम लोगों के पास आई थी, तब उत्तर प्रदेश में मात्र 300 किलोमीटर हाईवे था, एक्सप्रेसवे था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 923 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है। पारुल जी 2000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश में और काम चल रहा है। आज की तारीख में 7 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें एक्सप्रेसवे में काम चल रहा है। आज के 2 साल बाद 12 एक्सप्रेसवे वाला राज्य हो जाएगा। किसी समय मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज की तारीख में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी प्रकार से जो मेट्रो है, किसी समय आधा अधूरा मेट्रो लखनऊ का बना हुआ था, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश 12 मेट्रो। रविंद्र जी पिछली सरकार के समय पर यानी आपकी जो फर्स्ट योगी वन पार्ट वन कह सकते हैं, ये योगी वन सरकार कह सकते हैं, उस वक्त जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहे थे, अभी भी हैं, उनके समय पर जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ आपका, उस वक्त 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई, एमओयू की बात कही गई। विपक्ष बार बार हर डिबेट में ये सवाल पूछता है कि वो एमओयू धरातल पर कहां उतरे, और शायद यही वजह है कि आपको अब जिम्मेदारियां देनी पड़ रही हैं अधिकारियों को, विधायकों को। नहीं नहीं देखिए, हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। वर्ष 2018 में 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और 19 में 6700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया था। पारुल जी उसमें बड़ी फैक्ट्रियां अब ये लोग जानते सब हैं, ऐसा नहीं है इनकी जानकारी का अभाव है, लेकिन ये लोग उत्तर प्रदेश और देश की जनता को गोल गोल गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया के जमाने में पारुल जी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आदमी की समझ से बाहर हो, थोड़ा सा गूगल सर्च करके सामने आ जाता है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का काम चल रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल पारुल जी बनने लगी है। 2018 में एमओयू साइन हुआ था, पीटीसी इंडस्ट्री ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है, मथुरा में पेप्सी ग्रुप काम कर रहा है। ये जो इंडस्ट्री जो लग गई है 2018 और 2019 की, मैं जरा थोड़े 5-7 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बता रहा हूँ। सीतापुर में रेडिको खेतान काम कर रहा है, नोएडा में डेटा सेंटर हीरा नंदानी का है, एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। 2018 में एमओयू साइन हुआ था, हीरा नंदानी जी के नेतृत्व में डेटा सेंटर काम करने लगा है। पूरे उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट जन ग्रीन एनर्जी ने 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, ज्ञान डेयरी लखनऊ में 500 करोड़ का, मैंने पूरी लिस्ट आप लेकर बैठे हैं, आगे डिबेट में भी और बताइएगा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हाँ लौट रही हूँ सर। रविंद्र जी क्यों आखिर आप लोगों को लगता है कि पिछली सरकार में जब एमओयू साइन हुए थे वो धरातल पर नहीं निकले? यहाँ तो राघवेंद्र जी माफ कीजिए पूरी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि पिछली बार कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा, ये शक क्यों? देखिए क्या मेरी आवाज सुनाई पड़ गया? जी सर कहिए। देखिए राघवेंद्र जी ने सब कुछ बोला लेकिन वर्तमान इन्वेस्टर समिति पे कुछ भी नहीं बोला, क्यों? कुछ कहने के लिए नहीं है। वर्तमान इन्वेस्टर समिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 18,643 एमयू हुए हैं और करीब करीब 33 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। बताते हैं कि 32
92 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन होंगे, ऐसा वो 2018 में भी कह चुके हैं, जिसका अभी थोड़ा सा विवरण दे रहे थे। उसमें 4,28,000 आए, 500 कंपनियां आई और 40 लाख रोजगार पैदा हुए। अगर 40 लाख रोजगार पैदा हुए तो उसकी धरातल पे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। नीति आयोग ने और पुष्टि कर दी कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश गरीबी में तीसरे स्थान पे है नीचे से। फिर उसका एक समाज में दिखाई पड़ा कि पेट का एग्जाम हुआ और 38 लाख बच्चे मारे मारे फिर रहते सड़क पर। तो अगर वो जो इन्वेस्टर समितियां हुई और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 40 लाख रोजगार पैदा हुए, तो ये बेचारे 38 लाख बच्चे क्यों मारे मारे फिर रहे थे। अब आते हैं इन्वेस्टर समिति पे ही बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि आगामी लोकसभा सत्र आ रहा है, राघवेंद्र जी आंकड़े दे रहे थे तो इनके आंकड़े का महत्व तो नहीं होगा। अगर इतना बड़ा काम हुआ है पिछले इन्वेस्टर समितियों में तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक श्वेत पत्र लागू कर देना चाहिए। जो अभी विधानसभा सत्र होने वाला है और उसमें चारों इन्वेस्टर समिति के आय व्यय का ब्यौरा भी दे दें कि कितना हमारी आय हो गई, कितना हम लोगों ने व्यय कर दिया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे पास बिजली नहीं है। बिजली का पिछले साल पीक वैल्यू होती है मई जून माना जाता है। तो पिछले साल जून में जो पीक वैल्यू थी उसमें हमारी मांग 26,000 मेगावाट थी। उत्तर प्रदेश के पास बिजली बनाने की जो क्षमता थी वो 21,000 मेगावाट की थी और 14,000 मेगावाट बिजली हमने केंद्र के पूल से खरीदा था। अब इतना बड़ा 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टर समिति आ जाएगा तो जो उससे ऑफिस शुरू होंगे, औद्योगिक इकाइयां शुरू होंगी, उनको बिजली कहां से देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश की बात तो ऊर्जा विभाग में की जा रही है, शर्मा जी के डिपार्टमेंट में की जा रही है। एक सेकंड, एक चीज और ऐड कर दीजिए इसमें। तीसरा क्या होगा कि अगर 33 लाख करोड़ के औद्योगिक घराने शुरू होंगे तो औद्योगिक कचरे निकलेंगे, इसका निस्तारण कैसे होगा? जबकि आज के डेट की बात अगर कर दूं, अभी बैठे तक आपको ये यकीन नहीं हो रहा था कि उद्योग लगने वाले भी है नहीं लगने वाले हैं, अब लगने के बाद उसके कचरे के निस्तारण की चिंता सता रही है आपको। खैर, नहीं लगेंगे, पिछले बार भी नहीं लगे, इस बार भी नहीं लगेंगे, ये तो चुनावी एजेंडा है इनका। पहले ये यकीन नहीं हो रहा था, ये निकाय चुनाव जीतने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने का ये एजेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो धरातल पे होने जा रहा है ना पीछे कुछ हुआ है। ठीक है, लौट रही हूँ। सुधा जी, क्यों आखिर ऊर्जा विभाग में बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और तमाम तरह के एमओयू साइन हो रहे हैं, 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है और ये एक अच्छा संकेत है कि आपके इन्वेस्टर्स जो हैं आपके राज्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और पिछला क्या हुआ उसके बारे में राघवेंद्र जी जानकारी दे रहे हैं, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप उसे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे बिल्कुल सिरे से नकार दीजिए तो ये तो गलत ही होगा ना मैडम? नहीं नहीं पारुल जी, सबसे पहले जो नीति आयोग का परसेंटाइल जो भी आंकड़े आए थे उसमें 9% ही मात्र निवेश हुआ था जितना एमओयू साइन हुआ था, ये आपको ही पता है, सबको पता है। अब आंकड़ों में बताना ये अलग बात है, लेकिन क्या सबको ये पता नहीं है कि 100% में 9% ही आया? क्या ये आंकड़ा गलत है? अगर ये आंकड़ा गलत है तो राघवेंद्र जी बोल दे हमसे कि नहीं ये आंकड़ा गलत है, आप झूठ बोल रही है। जब 9% ही आया था और खर्चे कितना किए गए, अगर पारुल जी हम उस खर्चे जब उस समिट हुआ था उसमें जो खर्चा हुआ था, मैं इस बार की बात नहीं कर रही हूँ, उस बार जितना खर्चा हुआ था उस जब सतीश महाना जी ने कहा था जब वो औद्योगिक मंत्री थे उस समय, जब 2018 की बात कर रही हूँ मैं, कि जो ये समिट है उत्तर प्रदेश की ये ऐतिहासिक होने वाला है और इसकी सराहना सिर्फ देश नहीं विश्व के लोग करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो उत्तर प्रदेश है इसकी तुलना विदेशियों के जो देश है छोटे छोटे उनसे होने लगेगी, ये 2018 की बात है, सतीश महाना जी ने कहा था, ये आप लोगों के कहीं ना कहीं प्रेस नोट में होगा। तो जब बातें की गई और जब रिपोर्ट आती है कि 9% हुआ था, इस बार भी आपने देखा होगा जो खर्चे किए गए, हम जब इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं लेकिन उसके मद में जो खर्चा हो रहा है उसके बारे में ना कोई बात करता है ना कोई पूछता है। आप अपने उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा जो खर्च कर रहे हो किसी समिट में जिसका इतना भव्य आयोजन हो रहा है, आयोजन नहीं भव्य आयोजन, सड़कों पे लड़ियां लगी हुई बिजली की, गमले सजाए गए हैं,
पूरा शहर जगमगा रहा है, लेकिन उन शहरों के पीछे में जो झुग्गी झोपड़ियां उनकी कोई दिशा दिशा देखने वाला नहीं है। लेकिन जब कोई प्रश्न पूछ दे कि आखिर तब इतना था और 9% आया, तो क्या इस बार हम कैसे मान ले कि इस बार आप जो 100% की बात कर रहे हो वो 100% होगा? इस बात का क्या क्वेश्चन नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए दिनेश जी आप ही के पास आ रही हूँ। आपने तीनों लोगों की बात सुनी, अभी तक इसी पर ही डिस्कशन चल रहा है कि पिछला नहीं आया था या 9% आया था और अब 200% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और वजह क्या आप समझते हैं कि अधिकारियों को, विधायकों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि उन MOU को धरातल पर उतारा जाए? क्या सरकार ये मानकर चल रही है कि वो इन्वेस्टमेंट जो होना है, इन्वेस्टर समिट के जो रिजल्ट्स निकलने चाहिए, क्या उस पर कोई शंका आशंका है, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है? सर क्या समझाएंगे व्यूअर्स को? देखिए पारुल, विषय बहुत गंभीर है जी, और इसमें लगभग जैसे रविंद्र जी बैठे हुए हैं, ये बड़े दार्शनिक व्यक्ति हैं, समझे? बल्कि आज मैं पहली बार इनको चैनल पर देख रहा हूँ। और ये भी मैं आपको एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कि रविंद्र सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आज जो उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल आप देखते हैं, उसके संघर्ष के पीछे रविंद्र सिंह है, वरना यहाँ पर सैनिक स्कूलों की रक्षा मंत्री चर्चा नहीं करते थे जब कुलवंत यादव थे, यादव तक न चर्चा नहीं की जिसके की आज जिसकी इनकी पार्टी में आज ये है मौजूद। खैर एक दूसरा विषय है, देखिए बहुत क्लियर बात है, योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुए और लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी 15 लोकसभा सीटें हारी। ये तब था जब योगी जी बहुत मेहनत कर रहे थे, बड़ा मैसेज जा रहा था, तो उस कार्यकाल में एक समिट हुई जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, और उसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की क्रांति आ जाएगी। बहुत बड़ा मैसेज जा रहा था, हजारों मैं समझता हूँ 500-600 विदेशी मेहमान बुलाए गए थे, बहुत बृहद कार्यक्रम हुआ था, और ऐसे साथ पूरे देश प्रदेश के अंदर सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति जी नहीं आए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पैर पर आए थे। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उस निवेश की चर्चा की जाए या उसकी सफलता की चर्चा की जाए तो पारुल फिर भारतीय जनता पार्टी 55 विधानसभा सीटें क्यों हारी? उत्तर प्रदेश के अंदर जब इतना ही बहुत बृहद विकास था और इतना अनुकूल वातावरण था तो बीजेपी 55 विधानसभा सीटें क्यों हारी? विकास से मिलना चाहिए ना। और इसके बाद जितने भी और विकास के इन्होंने कार्यक्रम किए उससे यह मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर, विकास के पथ पर है। योगी जी को अपना जिम्मेदार नहीं मानते, वो मुख्यमंत्री हैं, वो हर एक चीज नाली खड़ंजा नहीं देखेंगे। सचिवालय और उनको इंप्लीमेंट कराने में पूरी विफल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने इन योजनाओं को पलिता लगाने का काम किया, ये कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। स्थिति आज फिर है और इसीलिए उसे दुरुस्त करने के लिए ये जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। कितनी बार दुरुस्त किया जाएगा? ऐसी मीटिंग तो पहले भी हुई थी। पारुल हम आपको बात बताएं, स्थानीय प्रशासन का ऐसी योजनाओं को लागू करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं है तो आप कितनी ले रहे हैं पर आपको उसका या जनमानस सर, मेरा पॉइंट ये भी था कि MOU जो साइन हुए हैं, यानी जो दूसरे देशों में बैठे हुए कंपनीज हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया उत्तर प्रदेश में और वो MOU साइन करके गए, यानी किसी न किसी तरह का प्लांट या प्रोजेक्ट उनकी तरफ से लगाने की मंशा होगी, लेकिन उसे अब जब विधायक अधिकारी इस उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारेंगे तो उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर वो MOU साइन करके गए हैं तो उस MOU का कुछ तो नहीं है। मैं आपके पास आया और मैंने लिख कर दिया कि मैं 100 करोड़ रुपए लगाऊंगा आप पर किसी फैक्ट्री पर लगाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, आपने कहा लगाइए, क्या इस बात की गारंटी है कि मैं 250 करोड़ रुपए लगाऊंगा?
पहली बात। दूसरी बात, इस बार जो उपनिवेश के लिए लोग आए हैं, अंबानी साहब को छोड़कर या और इनके इनके जैसे मुंजाल है और महिंद्रा वाले हैं, इन लोगों पर ये है कि ये लोग निवेश करें और इनके ट्रेडिशनल निवेश पहले तो इस बार जो निवेशक आए हैं उनकी दिलचस्पी पश्चिम उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट में है, उद्योग लगाने में नहीं है। वो जमीन चाहते हैं, वो आपके उद्योग लगाना नहीं चाहते। वो आपसे शर्त मनवाने में सफल हुए हैं कि अगर हम अपना उद्योग नहीं लगा पाए तो हमारी जमीन का लैंड यूज चेंज करने की आप परमिशन देंगे। और लैंड यूज चेंज करने का परमिशन का मतलब ये हुआ परुण कि मैंने फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन ली, उस जमीन का वो कोई और भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है सर, लौट रही हूँ आपके पास, और भी समय है हमारे पास, हम एक एक वर्जन और ले लेते हैं। राघवेंद्र जी क्या कहेंगे, दिनेश जी ने सारी चीजें खोलकर रख दी हैं, यानी एमओयू क्या सिर्फ आश्वासन भर हैं, धरातल पर कुछ और होने वाला है, क्या सिर्फ रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं आपके इन्वेस्टर्स, और अगर ऐसा है तो फिर वो लैंड चेंज करने की जो शर्तें हैं उसको क्या कहिएगा, कहिए सर। नहीं पारुल, ऐसा नहीं है, मुझे ये नहीं लग रहा है जो हमारे मित्र कह रहे हैं बात सही है। जमीन जहां दी जाएगी इंडस्ट्रियल एरिया में, ऐसी जाकर जहां पर इसका उपयोग उसी क्षेत्र में होगा। हमें नहीं लगता है जहां इंडस्ट्रियल एरिया में कोई बिल्डिंग बना करके खड़ी करेगा तो वहां उसका उपयोग सही होगा, ऐसा नहीं है। लैंड यूज मतलब कोई किसी चिप्स की फैक्ट्री की जगह कोई कोका कोला की फैक्ट्री डाल सकता है, इस तरीके का काम कर सकता है। देखिए हम लोग राघवेंद्र जी का शायद ऑडियो नहीं आ रहा है हमारे पास, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। मैं आ रही हूँ राघवेंद्र जी, अपनी बात आप पूरी रख लीजिएगा, मैं जब तक रविंद्र जी के पास जा रही हूँ। रविंद्र जी सवाल यही है कि इसे अगर हम धरातल पर होता हुआ देखें, जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ेंगे। कंप्लीट कर लीजिए पहले राघवेंद्र जी अपनी बात, उसके बाद रविंद्र जी के पास जाऊंगी मैं। हम लोग लगातार लक्ष्य रखते हैं और लक्ष्य के निर्धारण के लिए ईमानदार प्रयास करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। मेरे पास रिपोर्ट कार्ड है, याद करिए जब योगी पार्ट वन या मोदी पार्ट वन हुआ करता था, हम लोग हर महीने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते थे, हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा। इसके बाद श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, खर्चा कितना हुआ और आय व्यय का सारा ब्यौरा रख दीजिए सामने। निश्चित रूप से वो तो सब जानते हैं, लगभग 300 करोड़ के आसपास इसमें खर्चा हुआ है। हम लोग जन्मदिन मनाने वाले लोग नहीं है पारुल जी, कि हम लोग राजस्व का नुकसान जन्मदिन मना के करें। उद्योग लग रहे हैं, आपने कहा लास्ट टर्म में इन्वेस्टर समिट के रिजल्ट्स आए, उसके बाद भी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। नीति आयोग रिपोर्ट जारी करता है उत्तर प्रदेश गरीबी में आगे बढ़ रहा है। पारुल जी बात होने दीजिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी, आज की तारीख में 3.5% है। सीएमआई के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है। याद करिए जब केंद्र में उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, केंद्र की योजनाओं में उत्तर प्रदेश की एक भी भागीदारी नहीं होती थी। आज की तारीख में 44 केंद्रीय योजना, जिम्मेदारी देनी पड़ रही है आपको, क्यों एक एक के कंधे पर यह जिम्मेदारी तय करनी पड़ रही है कि विधायक संभाले, एमओयू धरातल पर उतरा या नहीं उतरा। हाँ नहीं ठीक है पारुल जी, ये तो हमारा प्रयास है, हम लोगों ने सिंगल विंडो में सुनी है, किसी भी व्यापारी को किसी प्रकार का ढेला बात भी कष्ट ना हो, हम लोग ईमानदार प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश आज की तारीख में ग्रोथ की स्वास्थ्य का जो 3200 करोड़ भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया था वापस था, वो कोविड के लिए अस्पताल बनाने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसा आया था भारत सरकार से। भारत सरकार ने कहा कि हम आपको भरपूर पैसा देंगे, आप प्लानिंग बनाइए, आप योजनाएं बनाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश योजनाएं नहीं बना पाई, 3200 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग का वापस हुआ। जरा जवाब दीजिएगा आज की बताइए। ठीक है रविंद्र जी और सुधा जी भी इंतजार कर रहे हैं, दिनेश जी मुझे उनके पास भी जाना होगा। रविंद्र जी कंप्लीट कर दीजिए अपनी बात, 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे। दो चीजें हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो ये 8 साल की उनकी उपलब्धि है कि 80 करोड़ जनता की गरीबी नहीं दूर कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना में हमने 25 करोड़ में से 15 करोड़ लोगों को 2 टाइम का राशन दिया,
तो पिछले 6 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की गरीबी नहीं दूर कर पाए, लेकिन फिर से वापस इन्वेस्टर समिट पे आते हैं। समय बहुत कम है, पिछले एक जो आगामी 1 साल है इसमें उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव हैं, एक निकाय का चुनाव है, एक लोकसभा का चुनाव है। इन दोनों चुनाव में हमारा मंत्रिमंडल, हमारे अधिकारी और कर्मचारी व्यस्त रहेंगे, इन योजनाओं को कैसे लागू किया जाएगा। इसी 1 साल में 9 राज्यों में भी चुनाव है जिसमें हमारा मंत्रिमंडल और हमारे अधिकारी व्यस्त रहेंगे, और आमतौर पे 1 साल में केवल 200 दिन समय मिलता है सरकारी अधिकारियों को काम करने का। 9 राज्यों तो इसका भी ब्यौरा प्रस्तुत करें कि ये जो आगामी 1 साल में किस तरीके से काम करेंगे कि ये जो एमयू की बात करते हैं ये धरातल पे उतर आवे और वास्तविक दिखाई पड़े और ये चुनावी एजेंडा बन के न रह जाए। ठीक है, तो अच्छी बात है ना सर, इलेक्शन का आईना ही ले लीजिए लेकिन जनता का तो फायदा हो जाएगा। सुधा जी कहिए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी जो बात है, हर कोई चाहता है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हर कोई चाहता है पारुल जी आपके साथ कि उत्तर प्रदेश का विकास हो और उत्तर प्रदेश देश के उन विकसित प्रदेशों में से हो जहाँ पे हम गर्व से कह सके हैं कि उत्तर प्रदेश के वासी हैं। हाँ जी, सभी लोग यही चाहते हैं। लेकिन जब मौजूदा सरकार विपक्ष पे ये प्रहार करती है कि हम लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, यहाँ पे आज के मौजूदा प्रश्न में भी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई बैठे हुए हैं उन्होंने जो प्रश्न किए थे, आज का सरकार चाहे वो केंद्र का हो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, प्रश्न करना यहाँ पे नकारात्मक राजनीति या नकारात्मक माना जाता है। जिस देश में लोकतंत्र में प्रश्न पूछने पे मनाही हो, जब भी कोई प्रश्न होता है उसको राजनीति से जोड़ दिया जाए, आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ के, आप जानते हैं आरटीआई के भी नियम बदल दिए गए और जो भी मतलब हम जो कुछ भी प्रश्न पूछ के जानना चाहते हैं कि देश प्रदेश में क्या हो रहा है उसके बारे में, सिर्फ जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो लाके बोल देंगे कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ आदरणीय राघवेंद्र भाई से कि सब कुछ अच्छा था तो सब कुछ का जो राजधानी लखनऊ है वहां पे अच्छा क्यों नहीं दिख पा रहा है? बाकी तो मैं शहरों की बात ही छोड़ दूं, जब आपका लखनऊ शिक्षा स्वास्थ्य या जो आप कहते हैं सुशासन में इतना यहाँ पे पुलिस का, अगर चुनावी लिहाज से ही, अगर चुनाव में ही अपनी तस्वीर अच्छी करनी है, अपना एक लेवल बनाना है, जनता के बीच में जगह पानी है और इसलिए ही ये प्रयास हो रहे हैं और ये धरातल पर उतरते हैं सर, तो इस प्रयास को अच्छा तो कहा ही जा सकता है। प्रयास करना अच्छी बात है लेकिन किसी चीज को धरातल पर लाना ये एक अलग चुनौती होती है और इस ऐसा करने के लिए एक इच्छा शक्ति जरूरी है। क्या मैं ये सवाल कर सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से? समय बहुत कम है सर, मुझे अब इजाजत लेनी होगी आपसे। स्थानीय कार्यकर्ता सरकार से कितने खुश हैं? दूसरी बात, आप मैं फिर एक चीज पर लौट कर आ रहा हूं पारुल, अगर विधानसभा के चुनाव में आखिर के 2 चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी नहीं उतरते तो भारतीय जनता पार्टी 125 सीटों से भी नीचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां पर निवेश को लेकर तो चर्चा है ही, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तो बातचीत हो ही रही थी, लेकिन उसके बाद अब ये बातचीत हो रही है कि जो MOU साइन हुए वो धरातल पर उतरेंगे कैसे। और पिछला रिकॉर्ड देखते हुए विपक्षी पार्टियों का अभी भी ये सवाल है कि पहले का श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, अभी का तो वो पूछ ही नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बाबत जिम्मेदारियां दी गई हैं विधायकों को, मंत्रियों को, कि धरातल पर इन MOUs को पूरा करके दिखाया जाए। अब इसे चुनाव से भी जुड़कर देखा जा रहा है कि चुनाव में अपनी तस्वीर अच्छी रखनी है, अपना काम जनता के बीच दिखाना है, इसलिए भी इन MOU की जिम्मेदारी मंत्री विधायकों को दी गई है। अगर ऐसा होता है और इसी खौफ से कि चुनाव है, जनता का भला हो जाता है, रोजगार मिल जाते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? दीजिए इजाजत, नमस्कार।